मंडी लोकसभा सीट पर आप जानते हैं वोटिंग जारी है। वोट परसेंट भी हमने आपको बताया। सीएम जयराम ठाकुर की ओर से भी मतदान किया गया, क्योंकि सीएम का गृह जिला है, गृह संसदीय सीट है। ऐसे में मरहाग मतदान केंद्र पर सीएम पहुंचे, वोट डाला गया, सीएम ने परिवार समेत मतदान किया है। तस्वीर आपके सामने, सीएम परिवार समेत पहुंचे, सीएम सीएम की पत्नी को आप देख पा रही है, मतदान केंद्र पहुंचे और लोगों से बातचीत भी की गई है। सीएम ने अपने मत का प्रयोग किया है, सीएम की पत्नी भी साथ में मौजूद रखी है, तो ये भी एक संदेश है और ये अपील भी की गई है। सीएम की ओर से भी अपील की है कि अधिक से अधिक लोग अपने वोट का प्रयोग करें। सुने, हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और एक तो मैं सभी प्रदेशवासियों से इस बात के लिए अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान में हिस्सा लें, ताकि लोकतंत्र इस प्रक्रिया को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा सकें। और जहां तक ये चुनाव इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, ये हमारे बहुत प्रमुख नेतागण थे जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी वजह से मंडी से हमारे रामस्वरूप जी, वीरभद्र सिंह जी अटकी से विधायक थे और जुब्बल कोटखाई से नरेंद्र बरागटा जी विधायक थे, सुजान सिंह ठानी फतेहपुर से विधायक थे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस छोटे से समय में हमने बहुत वरिष्ठ नेतृत्व तो खोया है हिमाचल प्रदेश का, इसका हमको दुख है। लेकिन अब जो व्यवस्था है, एक संवैधानिक व्यवस्था है कि उसके पश्चात उन खाली स्थानों, खाली विधानसभा और लोकसभा के चुनाव, लोकसभा के क्षेत्र में चुनाव होते हैं, वो चुनाव की प्रक्रिया आज चली हुई है हिमाचल प्रदेश में। सीएम जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे। वोटिंग की ओर से क्या गया, जैसे ही मतदान केंद्र पहुंचे तो उस वक्त की तस्वीरें, मत का प्रयोग किया गया, मतदान किया गया, उसके बाद उनकी ओर से कहा भी गया कि हिमाचल ने पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़े राजनीतिक दिग्गजों को खोया है, लेकिन अब ये जनता की जिम्मेदारी है कि उपचुनाव हो रहा है, लोकतंत्र का पर्व है, तो इसका हिस्सा बने और मत प्रयोग कर सबसे बड़ी भूमिका अदा करें। तो सीएम जयराम ठाकुर की ओर से, चूंकि सीएम मंडी से आते हैं इसलिए मंडी हॉट सीट भी है, मंडी प्रतिष्ठा का सवाल भी है सीएम के लिए भी, सरकार के लिए भी, और कांग्रेस से चूंकि इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतिभा सिंह हैं, एक सहानुभूति फैक्टर के तौर पर भी चर्चाएं रही। हालांकि ये तमाम बातें प्रचार तक थम गई थी। अब आज की बात यह है कि आप वोट करें, जिसे भी वोट करना है, जिस भी मुद्दे के साथ वोट करना है, अपनी पसंदीदा पार्टी और उम्मीदवार को वोट करें, घरों से निकलें।